गुरुजी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश साबर मंत्रों के विषय में जब भी हमने बात किया तो हम लोगों ने इस विषय को समझा कि साबर मंत्र कई भाषाओं में आते हैं मतलब अगर कोई उर्दू में साबर मंत्र है या पर्शियन में साबर मंत्र है तो जरूरी नहीं है कि वो इस्लामिक तंत्र हो वो हिंदुओं का साबर तंत्र भी हो सकता है कारिफनाथ जी के शिष्य थे इस्माइल जोगी जिनके फिर शिष्या हुई लो, लोना चमारी जिनके बहुत सारी साधनाएं आप करते हैं योग तब से फिर मसानी बन गई तो बहुत सारी भाषाओं में साबर मंत्रों का प्रयोग होता है तो आज तक जो हम लोगों ने सुना है जो प्रचलित साबर मंत्र है वो चाहे तो कहीं के गांव देहात के भाषा का होता है बंगाली होता है असामिया होता है हिंदी होता है या पर्शियन होता है लेकिन साबर मंत्र इन ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इनके आने से पहले भी थे और संस्कृत में भी थे ठीक है तो आज जो मैं आपको साबर मंत्र बताऊंगा वो एक मिश्रित साबर मंत्र है ठीक है ये साबर मंत्र रिद्धि देता है ठीक है रिद्धि देने का क्या अर्थ होता है जब गणपति के दो अर्धांगनिया है कि रिद्धि और सिद्धि ये आप सभी जानते हैं सिद्धि मतलब सिद्ध होना रिद्धि मतलब मतलब सिद्ध होना मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना और रिद्धि का मतलब होता है मैटेरियल लाइफ में आगे बढ़ना तो माँ पद्मावती लक्ष्मी स्वरूपा है और इनकी साधना करके रिद्धि की प्राप्ति की जाती है जब हम अघोर में भी अघोर लक्ष्मी की साधना करते हैं तब भी रिद्धि सिद्धि ही को मांगा जाता है रिद्धि को ही मांगा जाता है ठीक है तो मैं आप लोगों को दो विधान बताऊंगा इन दो विधानों में पहला विधान ऐसा है जो कि साधक लोग जिनमें आलस्य नहीं है जो जीवन में निरंतर बढ़ते रहना चाहते हैं उनके लिए है ठीक है दूसरा उनके लिए है जो थोड़े आलसी प्रवृत्ति के हैं जो आसानी से चीजों को पाना चाहते हैं जो चाहते हैं हां थोड़ा तो मेरा उत्थान होता रहे एक पेस पे जीवन चलता रहे ठीक है तो जो पहला विधान है जो साधकों के लिए है जो लंबे आ, समय तक चाहते हैं कि साधना उनकी चले और आ, एक मंत्र के प्रयोग से वो लंबे समय तक आगे बढ़ते रहे उनके लिए है इस साधना में आपको चाहिए गूगल गोरोचन रोचन छार छबीला और कपूरी कचरी ठीक है इन चारों को आप मिला लेंगे बराबर बराबर बना करके और उसके बाद 108 गोलियां इसका बनाएंगे ठीक है इसके बाद इसको आप रख लेंगे जब शनिवार आएगा तो शनिवार के दिन जो मैं मंत्र आगे आपको बताऊंगा लाल वस्त्र पहनिएगा, माँ पद्मावती को लाल भोग चढ़ाइएगा लाल रंग के फूल चढ़ाइएगा ठीक है और मंत्र का 108 जाप करने के बाद फिर से 108 बार मंत्र को बोलिएगा और हर एक बार एक एक गोली गूगल गोरोचन छारछबीली और कपूरी कचरी को जो मिला के आपने बनाया है वो डालेंगे ठीक है ये आप शनिवार को रात्रि में करेंगे और रविवार के सुबह करेंगे जितने बार आप मंत्र पढ़ेंगे पहले तो एक बार माला से पढ़ेंगे दूसरी बार जितनी बार आप मंत्र पढ़ेंगे तो एक एक गोली आपको अग्नि में देते जाना है अग्नि अग्नि जो होगी वो नौ लकड़ियों की होगी, होगी वो आम के लकड़ी की होगी उसमें गाठ नहीं होगा ठीक है उसको जलाने के लिए सिर्फ आप घी का प्रयोग करेंगे एक महीने तक हर शनिवार और हर इतवार आपको ये हवन करना है और जो बीच का पांच दिन है उस पांच दिन में हर रोज एक माला का आपको जाप करना है ये एक महीना जब आप साधना कर लेंगे तो हर रोज ग्यारह गोली को अभिमंत्रित करके और अग्नि में आपको देते रहना है ठीक है तो एक महीने का विधान मतलब दस दिन आ, संपूर्ण हवन बाकी के बीस दिन करीब करीब आपको जाप करना है और उसके बाद प्रत्येक दिन मतलब ग्यारह गोली आपको कुछ गोली बना करके रख लेनी होगी और ग्यारह गोली से आप रोज सुबह जब पूजा करने बैठेंगे तो हवन करेंगे ठीक है मंत्र सुनिए मंत्र है ओम पद्मावती पद्म नेत्रे पद्मासने लक्ष्मी वांछा लक्ष्मीदायंचा भूतप्रेत निग्रहणी संहारिणी दुर्जन मोहिनी वृद्धि रिद्धी, गुरु गुरु स्वाहा ओम पद्वत नमः ठीक है एक बार फिर से इस मंत्र को सुनिए ओम पद्मावती पदम नेत्रे पदमासने वांछा भूत प्रेत निग्रहणी शत्रु संहारणी या संहारणी आपके प्रोनाउंसिएशन में जो आता है दुर्जन मोहिनी रिद्धि वृद्धि कुरु, कुरु स्वाहा। ओम ह्री श्रीम पदमावत नमः मेरे उच्चारण से जाइएगा तो संहारणी होता है ठीक है तो इस मंत्र का आपको जाप करना है अब जो लोग बहुत लंबा साधना नहीं कर सकते हैं वो रात में आधी रात में मध्य रात्रि में एक दीपक जलाकर ठीक है और जो, जो होता है उसको उसके दानों पर मिट्टी की माला लेकर के 108 की संख्या में मंत्र का जाप करेंगे 21 दिन तक जाप करने से ठीक है जो लक्ष्मी पद्मावती स्वरूपा है वो खुश हो जाती है थोड़ा सा लिया उसके ऊपर दीपक जलाके रख दिया घी का ठीक है और मिट्टी की माला से जा, जा, मंत्र का जाप करेंगे हर रोज 1008 बार 21 दिन तक मंत्र क्या है ओम पद्मावती पदम कुशी वज्र वज्रवशि प्रतीक्ष भवंती, भवंती ओम पद्मावती पदमकुशि वज्र वज्रमवशि प्रतीक्षती भवंती ही, भवंती ठीक है पद्मावती भगवती की बहुत सारी साधनाएं हैं और आने वाले कालखंड में पद्मावती की साधनाएं मैं और दूंगा ये दो साधनाएं है जो हैं ये आप में से हर एक व्यक्ति जो व्यवसाय में परेशान है या फिर जिनको ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब तरक्की नहीं हो रही है उनके लिए अच्छी साधना है मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बढ़िया साधना है लेकिन जहाँ आप ज़ीरो पे हैं दस के स्केल पे वहाँ आपको ये पाँच पर कम से कम चार पर तो ये साधना ले जा करके छोड़ेगी तो ये साधना आप लोग करें और जीवन में आगे बढ़े इक्कीस दिन के बाद जो दूसरी वाली साधना है वो भी रोज वही ग्यारह बार आप लोगों को करना है ठीक है ऐसा करने से जीवन में कभी भी रिद्धि और सिद्धि की कमी नहीं होगी सिद्धि के लिए आ, मैं और भी साधनाएं आप लोगों को बताऊंगा रिद्धि की कमी कम से कम इस साधना के बाद नहीं होगी आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए कॉलनी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर आप सर्च करिएगा तो आपको आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप इस पर डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट देने का विधान डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्र रहस्य डॉट एक्स वाइजेट या डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्र रहस्य डॉट कॉम पर आप जाइएगा तो वहां पर मिल जाएगा लक्ष्मी आप लोगों पर प्रसन्न हो और उन्नति दे ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अल्लाह अरे